आप सभी पत्रकार बंधुओं को और देशवासियों को सनातनियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले काफी दिनों से आगरा के केशव देव जी के लिए हम लोग जो मथुरा से केशव देव जी आगरा में उनकी छवि लाई गई है, सीढ़ी के नीचे भगवान का अपमान, उनको रख के सीढ़ी के नीचे भगवान श्री कृष्ण की छवि का अपमान किया जा रहा है। अभी कल 25 तारीख डेट पड़ी थी और उस डेट में अगेन हमें 21 तारीख की डेट दे दी गई अगले महीने की। हम कोटरा सम्मान करते हैं। ये केस करने से पहले, आगरा में केस करने से पहले भाईचारे के नाम पे हमने 5 दिन दिए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद मई 11 को हमने केस किया और लगभग अब 5 महीने होने को जा रहे हैं, कोई भाईचारा हमको दिखाई नहीं पड़ा। गंगा भी अलग बह रही थी, जमुना भी अलग बह रही थी, अलग अलग तमाम चीजें बह रही हैं और ऐसी ऐसी चीजें सुनने को और देखने को मिलती हैं। उन्होंने कोर्ट में जाके ये कहा कि हमें नोटिस नहीं मिले, हमें कोई मैसेज नहीं मिला, हम तो क्या नाम है पेपर में पढ़ के आ रहे हैं। अब एक बात बताइए, इतने टीवी चैनलों पर ये न्यूज चली है, कोर्ट ने हमारे वकील ने उनको कई नोटिस भेजे हैं, पर्सनल मैसेंजर गया और उसके बाद भी झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, कोर्ट में भी झूठ बोला जा रहा है। क्या न्यूज चैनल नहीं चल रहे होंगे? क्या पेपर नहीं पढ़ रहे होंगे? क्या सोशल मीडिया पे वो नहीं रहते हैं? छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट करने वाले लोग, इतनी बड़ी चीज पर कोई रिएक्ट नहीं किया। 5 महीने से हमारे यहां बात की जाती है कि अगर सनातनी 100 करोड़ है, अगर कोई उनके भी तरफ से बात हो तो बोले भाईचारे पे खतरा कर मडरा रहा है, और जब वो अन्य तरफ की तरफ से सनातनियों पे कुछ भी होता रहे, भाईचारा कोई सब सॉलिड है। पाकिस्तान में 23% से भाईचारा 1% पे आ गया और यहां 1% से 18-19% पे भाईचारा चला गया, तो भी हम ही गुनहगार हैं, तो भी हम ही है। गंगा जमुना तहजीब, अरे भाई गंगा जमुना पिछले 5 महीने से मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं पिछले 5 महीने से गंगा जमुना चिल्ला रहा हूं, तलाश कर रहा हूं कि कोर्ट में भी गए तो किस लिए गए? ये भी तो संवैधानिक अधिकार है, हम कोई लड़ने थोड़ी गए। हम संवैधानिक तौर पर ये बातें करने गए कि चलो यही भाईचारा निभालो, आप कह दो कि अगर कोर्ट जल्दी से जल्दी, इसे डिले करने का क्या मतलब? आजकल तो ऐसी मशीनें आती है ना कि चेक कर लो ऊपर से तो पता चल जाएगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, यहां है कि नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ठीक है, मैं गलत घोषित हूं, चेक करने में क्या जा रहा है। लेकिन भाईचारे की वो बीन 5 महीने से ना तो मैंने सुनी है, ना वो गंगा जमुना मुझे दिखाई पड़ रही है। पर फिर भी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अगर अभी भी गंगा जमुना तहजीब की बातें हम करें, भाईचारे की बात हम करें, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। कोर्ट ने तो हमें 21 तारीख दे दी। क्या भाईचारे के नाते, क्या मानवता के नाते, वही जो 5 महीने में आज कोर्ट पहुंचे हैं, क्या वो हमारे ऊपर एक भाईचारे के नाते उपकार करेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी तक वो लोग उन सीढ़ियों का प्रयोग न करें? कहे कि 100 करोड़ लोगों की आस्था है कृष्ण की छवि, तो हम इन सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी तक? क्या वो इस भाईचारे को निभा सकते हैं? निभाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 100 करोड़ लोगों की भावना की कदर हो, तो आपको आज से ही उन सीढ़ियों का प्रयोग बंद करना चाहिए 7 तारीख तक। क्यों? 7 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है, जन्माष्टमी उत्सव है, जो पूरे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अगर कोर्ट में देर से पहुंचे कोई बात नहीं, 5 महीने से हमें नहीं दिखाई पड़ा, पर फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो आप ये भाईचारे की एक पहल करें और हमारे भगवान के छवि का अपमान करने से बचें, जिससे और 100 करोड़ सनातनियों का भावना का अपमान हो। यही, इसी के लिए मैंने आपको बुलाया है, कष्ट दिया है। क्या लगता है आपके संदेश को, लोगों के संदेश को लोग मानेंगे? अगर मानवता होगी तो माने, अगर भाईचारा निभाने की 1% भी, जैसे अगर हम लोगों में 100%, अगर उनमें 1% भी होगी तो मानेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर देश के सामने आ ही जाएगा कि कितने भाईचारे निभा रहे हैं। मेरे भगवान की छवि तुम्हारे ही इतिहासकारों के माध्यम से, वो तुम्हारे ही नहीं, तमाम इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया कि सीढ़ी में छवि गाड़ी गई है, और आप सब चैनलों ने उसको दिखाया भी बड़े लंबे, पूरा सर्च कर करके। इस मसले को लेकर साधु संतों की कोई बैठक बुलाई जाएगी या उनको एकजुट करा जाएगा? हम क्या कह रहे हैं, सब एकजुट है ही,
और आगे भी जो संविधान हमें अधिकार देता है उन विषयों पर कोर्ट के साथ साथ हम चिंतन और मनन कर रहे हैं। हमारी भावना का, हमारे इष्ट का सम्मान हो, इसके लिए संवैधानिक प्रयोगों को हम करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्या आंदोलन भी हो सकता है? ये हमने कहा संवैधानिक अधिकार जो हमारे हैं उन पे हम अनंत चिंतन कर रहे हैं कि आगे हम क्या इसकी पहल करेंगे, क्योंकि कृष्ण का होता रहे अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उन्होंने बयान दिया कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है तो खालिस्तानियों की मांग भी कहां से जाएगी? किसने कहा? स्वामी प्रसाद मौर्य। आपने क्यों चलाया उनकी बात? वो सिर्फ और सिर्फ इस समय पता है उनको वो कुछ कंडीशन में है, तो मैं ना तो स्वामी जी की बात का जवाब दूंगा ना प्रसाद जी की बात का जवाब दूंगा। मेरे में मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, वो जिसका चाहे समर्थन करे वो उनकी मर्जी, वो किसी का समर्थन ना करे उनकी मर्जी, मैं उनके पीछे, क्योंकि मैंने देख लिया ना उनको, उनकी गहराई देख ली ना, व्यक्ति की बात में ही सब कुछ झलकता है। आप उनके बयानों को मत चलाओ, उनकी बात को समझो। अगर आपको मुझे इनकी टी शर्ट पे कोई डाउट है तो मैं इनसे पूछ लूं ना ये क्या है, तो जब ये बता देंगे ये क्या है तो मुझे या तो सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। पर जब ये बताए नहीं तो, जब मानने को तैयार ही ना हो तो, सोने का नाटक कर रहे हो तो स्वामी जी सो नहीं रहे, सोने का नाटक कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी बातों को हम बस प्रणाम ही, स्वामी नाम ही स्वामी है, तो अब स्वामी अब निराकार को मानने वाले के साकार को मानने वाले वो तो स्वामी जी को हम नमन ही कर सकते। भैया बड़े आदमी है वो, एमपी वो, मंत्री वो, बड़े आदमी, हम छोटे कथावाचक है, हमने कुछ गड़बड़ हमारे मुंह से फंसवा देंगे हम, भैया क्षमा चाहते। पाकिस्तान में रह रहे आपके प्रशंसक और अनुयायियों के लिए क्या संदेश देंगे? हमारे अनुयायी पाकिस्तान में क्यों होंगे? वहां तो हमारे भावनाओं का अपमान करने वाले अधिकांश लोग रहते हैं, और अगर वहां भी कोई मानवता को, इंसानियत को प्यार करते हों, जिन्हें ये पता हो कि हमारे भी पूर्वज कभी न कभी सनातनी रहे और जिन्होंने हमारे रामकृष्ण की पूजा की, अगर ऐसे लोग वहां भी हैं तो उनको कहूंगा कि जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, खुश रहो, आनंद।